हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं हम लोग स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो पेज 51 एनसीईआरटी बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड कवर करेंगे। इसमें क्या है हमारा, फाइंड वैल्यूज अगेन फॉर द फॉलोइंग। तो पहला हमारा है cos इनवर्स cos 13 pi upon 6, सो इट इज जब भी इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस है तो ये तभी, जैसे इसमें पहले भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस कवर किए हैं उनको भी तुमने जरूर रेफर करना है, ये थीटा के इक्वल तभी है व्हेन थीटा इज इन द प्रिंसिपल ब्रांच। तो प्रिंसिपल ब्रांच इसकी जीरो से पाई तक, ठीक है। सो थीटा अगर जीरो टू पाई के बीच में है ओनली देन डायरेक्टली कॉस इनवर्स कॉस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। तो हमने देखना है 13 pi upon 6. So 13 pi upon 6 is how much? You can convert into degree if you want. तो 180 से किया. So this is 390. ये कितना है हमारा, 0 से 180 degree है. तो you can see 390 इसको belong नहीं करता. So we write 13 pi upon 6 does not belongs to 0 to pi. Principal branch में नहीं है. तो ऐसे केस में हमने इसको चेंज कर देना है cos इनवर्स cos, जो 13 pi upon 6 था इसको हमने लिख दिया 2 pi plus pi upon 6, ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिख देना, क्योंकि ये मोर देन हमारा 360 डिग्री हो गया, तो इसमें 2 pi plus करके लिखना। सो इट इज cos इनवर्स cos, अब ये 2 pi है तो रेशियो cos विल रिमेन एज इट इज। तो 2 pi plus 30, तो हमने देखा ये वापस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ऐसे ही रह गया। अब हमने देखा ये फिर से इसी फॉर्म से आ गया, अब ये कितना है यहाँ पर pi upon 6, pi upon 6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसी के बीच में आ गया, दैट मींस नाउ इट इज इन द प्रिंसिपल ब्रांच, तो आंसर विल बी डायरेक्टली रिटन एज pi upon 6, ठीक है बच्चे। नाउ सिमिलर वे नेक्स्ट जो हमारा tan इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो इट इज क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स tan 7 pi upon 6। अब जैसे tan इनवर्स है तो ध्यान रखना है tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी होती है, तो हमने ये देखना है। सो tan इनवर्स tan थीटा is equals to theta when theta belongs to minus pi by 2 से pi by 2, ये ब्रांच में होना चाहिए, यानी कितना है डिग्री में अगर हम देखते हैं तो इट इज माइनस 90 टू 90 इसके बीच में होना चाहिए। तो अब हमने देखा 7 pi by 6 है, तो 7 pi by 6 का मतलब हो गया 7 into 180 upon 6, इसको कैंसिल किया तो how much it is 210 degree। अब 210 डिग्री तो इसमें क्लियरली नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमने लिखना है 7 pi by 6 does not belongs to minus pi by 2 से pi by 2, इसको belong नहीं करता है principal branch को, तो हमने ऐसे लिखा tan inverse tan, ये जो 7 pi by 6 है ये हमारा third quadrant हो गया, तो third में हम लिखते कैसे pi plus pi upon 6, ठीक है, इस form से बना एड हो के वापस यही आ जाना चाहिए हमारा। अब हमने इसको लिखना है tan इनवर्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है tan जो है वो पॉजिटिव होता है और pi है तो रेशियो tan ही रह जाएगा, सो इट इज tan pi upon 6, साइन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव ही रहना है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan रेशियो पॉजिटिव। सो अब ये देखा pi by 6 कितना डिग्री है, इट इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसी में इंटरवल में आ रहा है, दैट मींस नाउ वी कैन राइट डायरेक्टली दिस एज pi upon 6, तो समझ में आ गया बच्चे। तो जब भी इनवर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से फॉलो करना है, हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच पहले लिख के उसके अकॉर्डिंग फिर आगे सिंपलीफाई करना है। तो बच्चे अगर अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।